आज हमने भारोकालीन टंकी जो पिछले 10-11 दिन से बंद थी उसमें पाइप में लीकेज था, और पाइप भी चूंकि कई वर्षों से लीकेज चल रहा था उसमें, और पाइप MS का था वो, उसको हमने चेंज करके आज DI पाइप लगाने का काम ने 13-14 दिन पहले समय लिया था। आज वो हमारा पाइप लग के DI पाइप लग के आज हमारी टंकी, आज हमने हमारे अधिकारियों के साथ में लोग जो काम कर रहे थे उनके साथ में इस टंकी का निरीक्षण किया है, कार्य इनसे पूछा गया है, कार्य बिल्कुल संतोषप्रद है। और आज शाम या कल सुबह से हम वापस ये पानी की सप्लाई जिस प्रकार पुरानी चल रही थी सेम उस सप्लाई को चालू कर देंगे। अभी हमने जो DI पाइप लगाया है, ये DI पाइप लगने से लगभग 30-40 साल तक इन पाइपों के अंदर कोई इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी कि हमको वापस से इस टंकी को बार बार टंकी को बंद करना पड़े और पाइप चेंज करना पड़े और हमारे नागरिकों को तकलीफ हो। तो ये DI पाइप लगाएं, इससे लगभग हमको ये मान के चले कि 30-40 साल तक हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। और इस DI पाइप चेंज करने के बाद से जो लीकेज था वो लीकेज बंद हो गया है, तो उससे ये रहेगा कि पानी के अंदर प्रेशर की जो कई लोगों के समस्या थी कि प्रेशर नहीं आ रहा, इससे प्रेशर ही बढ़ेगा। और पानी का जो है, पानी भी लगभग हम सुबह और शाम दोनों समय जो पुराना समय था उस समय से, पुराने से मतलब ये कि 10 पहले हम जो टाइमिंग सेट किया था उसी टाइमिंग के अनुसार सुबह भी आधा घंटा नल देंगे और शाम को 20 मिनट, चूँकि अभी बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं इसलिए हमने नई पाइप लाइन से शाम का भी पानी देने का निर्णय लिया है। तो निश्चित इस निर्णय से नगरवासियों के इस टंकी से जो हमारे 7-8 वार्ड प्रभावित हो रहे थे, अब वो इस टंकी के चालू होने 7-8 प्रभावित नहीं होंगे और इन वार्डवासियों को अच्छा पानी प्रेशर साथ मिलने लगेगा।